आज व्यू 360 में, क्या दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव के रोकने के नाम पर बुनियादी इंसानी हुकूक गसब तो नहीं किया जा रहा? पाकिस्तान के तालीमी निजाम की दरारें कोरोना वायरस ने मजीद बढ़ा दी, सरकारी स्कूल्स के बच्चे ऑनलाइन तालीम से महरूम। और आपको लिए चलेंगे बाजौड़ के एक ऐसे स्कूल में जहां तालीम के साथ बच्चों को सेल्फ डिफेंस की भी तरबियत दी जाती है। ताइक्वांडो के साथ साथ उस तालीम भी सीखता हूँ, या मुझे खाना पीना सब मुझे फ्री मिल रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद, मैं हूँ असदुल्लाह खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। आज हम अपनी बिल्डिंग के अंदर दोबारा से मौजूद हैं जिसमें सिर्फ 2% लोग काम कर रहे हैं। बाहर मौसम की खराबी की वजह से बाहर आज दोबारा से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। एक अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस जो कि सर्टनली इस वक्त जिस तरह से फैल रहा है, 1.5 मिलियन से ज़्यादा पूरी दुनिया में केसेस सामने आ चुके हैं, उसकी वैक्सीन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। COVID-19 या कोरोना वायरस के मर्ज से बचाव का तरीका ढूंढने के लिए इस वक्त दुनिया भर में मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंसदान तहकीक में मसरूफ हैं। जहाँ कुछ वैक्सीन जानवरों में तजर्बाती तौर पर मौसर साबित हुई हैं, कोई भी वैक्सीन अभी तक इंसानों में क्लिनिकल ट्रायल में कामयाब नहीं हुई है। सबाशा खान हमें कोरोना वायरस के खिलाफ पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर की एक नई मुमकिन वैक्सीन के बारे में बता रही हैं जिसके इंसानों पर केमिकल ट्रायल्स इस हफ्ते शुरू होने वाले हैं। को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए एक मुमकिन वैक्सीन पर काम यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर में भी जारी है। ये वही इदारा है जिसने 65 वर्ष पहले दुनिया को पोलियो की वैक्सीन दी थी। रिसर्चर्स के मुताबिक मौसर रद्द अमल को यकीनी बनाने के लिए नई वैक्सीन को देने का तरीका कुछ मुख्तलिफ होगा। इस अमल में इंतहाई बारीक सुइयों की शक्ल में जिस्म में मदाफियती रद्द अमल पैदा करने वाली वैक्सीन एंटीजन्स जिल्द के मखसूस हिस्सों में दाखिल की जाएंगी। डॉक्टर लू फेलो कहते हैं हमारी जिल्द बैरूनी अनासर के खिलाफ दिफा की पहली सतह है। तो इसका मतलब यह है कि दरअसल जरसूमों की कतार में ये इंतहाई छोटी सुइयां दवा हैं। एक बार जब वो जिल्द में दाखिल हो जाती हैं, तो तहलील होकर एंटीजन को रगों तक पहुंचाती हैं। तो ये एक बहुत ही मुनफरद आला है और इसे इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। तरीक़े कार कुछ यूँ है कि जिस्म में मदाफियती रद्द अमल पैदा करने वाली वैक्सीन एंटीजन और शकर के मरकब को सांचे में डालकर सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब इसे सांचे से निकाला जाता है तो एक कतार में जमी इंतहाई बारीक सुइयों पर मुश्तमिल मरकब हासिल होता है। ये एक बैंडेड की तरह है जिसे कुछ देर के लिए जिल्द पर चस्पा किया जाता है। सुइयां इंतहाई छोटी होने की वजह से जिल्द की गहराई में नहीं उतरती और यूँ ना तकलीफ होती है और ना ही खून निकलता है। ये एंटीजन वो इंतहाई ताकतवर खलिये जज्ब करते हैं जो मदाफती एंटीबॉडीज पैदा करने के काम में महारत रखते हैं। तो ये खलिये फिर लम्फ नोड्स में जाकर वहाँ मदाफती रद्द अमल शुरू करते हैं जो हमारी हिफाजत करता है। लिहाजा तहफ्फुज़ सिर्फ जिल्द को नहीं मिलता बल्कि ये सांस और जिस्म में दाखिले के दूसरे जराए को भी महफूज रखता है। डॉक्टर एंड्रिया गैम्बोटी पहले सार्स और मर्स पर तहकीक कर चुके हैं जो उनके लिए इस वैक्सीन के बनाने में मददगार रही। हम नहीं समझते कि इस वैक्सीन के कोई खास नुकसानदेह असरात होंगे। जानवरों में तहकीक के बाद पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर की इस तहकीक का क्लिनिकल ट्रायल यानी इंसानों पर आजमाए जाने का मरहला जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बड़े चैलेंजेस अब ये हैं कि हम तैयार करदा वैक्सीन को किस तरह बेहतर बनाएं। फिल वक्त हम इंसानों में इसका रद्द अमल नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जानवरों में इससे भी बेहतर वैक्सीन बनाने के लिए बहुत से मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर सकते हैं। डॉक्टर फेलो कहते हैं इम्यूनोजेनेसिटी यानी किसी एंटीजन के जरिए मदाफियती रद्द अमल पैदा करने वाले निज़ाम और जिस्म में इसकी तरसील के निज़ाम को अगर मिला दिया जाए तो हम किसी भी वबा के खिलाफ मुमकिन मौसर वैक्सीन बना सकते हैं। वो कहते हैं हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन जो सामने आ रही हैं, ये बहुत से साइंसदानों की मुख्तलिफ फील्ड्स में अनथक मेहनत की वजह से मुमकिन हो पा रही हैं। सबा शखान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वोरहीस, न्यू जर्सी। कोरोना वायरस के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर में हुकूमतों ने अपने शहरियों की नकलो हमल पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। ताहम इंसानी हकूक की कुछ तंजीमों का खदशा है कि इन इमरजेंसी इकदाम की आड़ देकर कुछ हुकूमतें गासबाना तौर पर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश भी कर रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका रिपोर्ट्स की एक सीरीज लेके आ रहा है जिसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या जमहूरी ममालिक में भी इस सूरत हाल से कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की जा रही।
इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केनेथ रोथ समझते हैं कि कोविड-19 से निमटने के लिए बुनियादी आज़ादियों पर पाबंदियां लगाना ज्यादातर केसेस में जरूरी है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हम ऐसी हुकूमतें भी देख रहे हैं जिनकी ज्यादा तवज्जो इस वायरस की आड़ में अपने नाकदीन पर क्रैक डाउन और अपनी ताकत में इजाफे पर मरकूज है। कोरोना वायरस के माखिज मुल्क चीन के डॉक्टरों ने दुनिया को इस नई बीमारी के खतरात से आगाह करने की कोशिश की। ताहम चीनी हुकाम ने इस इंतबाह पर तवज्जो देने की बजाय उनकी आवाज़ों को दबाया और इन्हीं 3 हफ्तों के दौरान इस वायरस को आलमी सतह पर तबाह कुन अंदाज में फैलने का मौका मिल गया। अक्वामे मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा एग्नेस कैलमार्ट कहती हैं कि इसके बाद आने वाले महीनों में एक के बाद दूसरे मुल्क में हुक्मरानों की ताकत पर चेक एंड बैलेंस खत्म होता चला गया। अब अदालतों के पास पहले की निस्बत कम इख्तियारात हैं। स्टेट ऑफ इमरजेंसी में पार्लियामेंट भी पहले से ज्यादा कमजोर हैं। जैसे हंगरी के वजीर आजम विक्टर ऑर्बेन ने मार्च में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कानून साजी से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज कर दी। ये बुनियादी तौर पर उन्हें महज हुक्मनामे के जरिए पार्लियामानी निगरानी के बगैर हुक्मरानी करने की इजाज़त देता है। अगर आप अलजजायर में फौजी हुकूमत की बात करें, रूस में सद प्यूटन या लबनान, इराक और भारतीय वजीर आजम मोदी की, ये तमाम हुकूमतें जमहूरियत के हक के लिए किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरों की सद में थी। फिलहाल इन मुजाहिरों को रोकना पड़ा, ये काबिले फहम है, लेकिन ये हुकूमतें कब तक अपने फायदे के लिए ऐसे जमहूरी इजहार पर पाबंदी जारी रखेंगी। पुलिस को लॉकडाउन के इतलाक के लिए खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। केन्या में हादसाती तौर पर एक 13 साल बच्चे की हलाकत हो गई। जनूबी अफ्रीका में पुलिस ने एक चर्च से दर्जनों गैर कानूनी तारिकीन को बेदखल किया। भारत में पुलिस के हाथों मुहाजिर मुलाजमीन पर जरासीम कुश स्प्रे की फुटेज मंजर आम पर आई। In the name of saving as many lives as possible, we are going to put the life of ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाने के नाम पर हम सबसे ज्यादा कमजोर लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल देंगे। तारीख हमें बताती है कि ऐसे मौकों पर पुलिस इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इम्कान बढ़ जाता है। Likely to be abused. केनेथ रोथ के मुताबिक 11 सितंबर का हमला इसकी एक मिसाल है। That too was a moment. वो मौका भी ऐसा ही था जब लोग खौफ का शिकार थे। उन्होंने हुकूमतों से तहफ्फुज़ मांगा, लेकिन तहफ्फुज़ देने की बजाय उन्होंने तमाम गैर मामूली ताकतों पर कब्जा कर लिया, जिसे वापस लेने के लिए लंबा अरसा लगा। फिलहाल तो हुकूक पर पाबंदियों को कोरोना से निजात की खातिर कबूल किया जा रहा है, लेकिन खदशा है कि ये पाबंदियाँ इस बीमारी के खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होंगी। हेनरी रिजवेल के साथ फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले हुकूमती इकदाम पर जमहूरी ही नहीं इंटरनेट फ्रीडम के माहिरीन की भी नज़र है। इस वक्त दुनिया के कई दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना की वबा से निमटने के लिए सारफीन के इंटरनेट डेटा की मॉनिटरिंग करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो सर्वेलेंस रखी जा सके उन लोगों पर, ख़ास तौर पर जो कि इन लोगों से मिल रहे हैं जिनमें ऑलरेडी सस्पेक्ट किया जा रहा है कोरोना के केसेज या सिम्टम्स को। लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन प्राइवेसी का कोई कानून चूंकि मौजूद नहीं है, इसलिए इंटरनेट फ्रीडम के एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया माहरीन को इस डेटा के गलत इस्तेमाल का खदशा है। हुकूमत इस पर क्या कहती है, नौखत मलिक ने जानने की कोशिश की। मैं इस वक्त इंटरनेट पर अपने इलाके का जिप कोड एंटर करके ये जान सकती हूँ कि मुझसे 10 मील के फासले पर कोविड-19 के कितने मरीज हैं, इनमें से कितने आज हलाक हुए और पूरे अमेरिका में इस वक्त क्या सूरत हाल है। So as soon as you open the app, you have कोविड-19 की वबा से लड़ने के लिए आदादोशुमार का इस किस्म का डिजिटल इस्तेमाल दुनिया भर में रोजाना बढ़ रहा है। लोगों से हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज करें, इज्तमात और हुजूम वाले अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करें। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पाकिस्तान से व्हाट्सएप के जरिए अमेरिका में बैठे हुए मुझे फॉरवर्ड किया गया ये मैसेज। पीटीए की तरफ से मुल्क भर में मखसूस लोगों को मकामी जबानों में भेजा जा रहा है। लेकिन ये डिजिटल माहरीन की नज़र में हुकूमत की तरफ से शहरियों की जाती जिंदगी में मदाखलत के जुमरे में आता है। जो सर्वेलेंस है वो की जा रही है कोरोना पेशेंट्स की यूजिंग मोबाइल फोन्स, यानी कि उन लोगों की जो कि कोरोना पेशेंट्स के आसपास जिनकी जियो लोकेशन मिलती है उनको ट्रैक करके उनको SMS भेजे जा रहे हैं कि आप अपना चेकअप कराएं, सो ऑन। अब ये अगर किसी आन दिनों में आपको कोई बताए तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ी
ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है कि आप किसी की लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। पिछले दो महीनों में पूरी दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की प्रेस रिलीज कहती है कि मार्च के महीने में पाकिस्तान में इंटरनेट का इस्तेमाल 15% बढ़ गया। मेरे बाबू को कोरोना हो गया। लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन और वायरस के मुतालिक गलत तसव्वुरात की भरमार भी आलमी सतह पर देखी जा रही है। कोविड में जरा ज्यादा इम्पोर्टेंट ये मामला इसलिए हो गया है क्योंकि गलत मालूमात फैलाई जा रही है बहुत ज्यादा, चाहे वो गलत गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन हो झूठी खबरों के साथ या वो गलत इलाज मालजे की बातें हो। हम सब की बॉडी में ये वायरस। अगरचे ऐसी गलत मालूमात सिर्फ पाकिस्तानी सोशल मीडिया ही की इनफरादियत नहीं है। असद बेग के मुताबिक बदकिस्मती से ऐसी अफवाहें पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर शेयर होती हैं। पाकिस्तानी हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है? हमारा जो FIA का साइबर विंग है उसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट की जरूरत है। FIA इज अ ट्रेडिशनल यू नो पुलिस फोर्स, उसमें अभी तक वो कैपेसिटी नहीं है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की अफवाह साजी होती है उसको वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके। वॉलंटियर टाइगर फोर्स। दूसरी तरफ YouTube पर मौजूद ये वीडियो पाकिस्तानी हुकूमत की बनाई गई टाइगर फोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार पेश कर रही है। इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं। टाइगर फोर्स के लिए जाहिर सी बात है आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ रही है, उसमें आपका नाम जाएगा, उसमें गालिबन आपका CNIC नंबर जाएगा। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट बहुत सारा नया डेटा कलेक्ट कर रही है। इमरजेंसी है, करना है, जरूरी है, ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो क्या ऐसे मैकेनिज्म इन प्लेस है पाकिस्तान में जिससे इंश्योर किया जा सके कि इस डेटा का मिसयूज नहीं होगा या लीक नहीं होगा, ये ना हो कि कल टाइगर फोर्स को आपने PTI फोर्स बना के उसको इलेक्शन की कैंपेनिंग पे लगाया हुआ। लेकिन डाटा तो हुकूमत के पास पहले से ही है और जो भी शख्स जो है जब मोबाइल फोन में अपने सिम एक्टिवेट करता है उसका डाटा हुकूमत के पास भी चला जाता है, PTA के पास भी चला जाता है, एजेंसीज के पास भी चला जाता है। सो पहली बात तो यह है कि कोई नई रजिस्ट्रेशन कुछ जो है वो नया काम नहीं हो रहा। They're switching off high definition stream. इंटरनेट तक रसाई, दस्तियाबी और इसकी कीमत के हवाले से 100 ममालिक पर गुज़श्ता महीने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से शाया की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को 76वां रैंक मिला। ये रैंक जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है। इस वक्त जब दुनिया की एक बड़ी आबादी समाजी फासले पर अमल करने की कोशिश में इंटरनेट तक रसाई पर इन्हसार कर रही है, ये सूरत हाल पाकिस्तानियों के लिए कैसे चैलेंजेस का बायस बन सकती है? ऐसे ऐसे माहौल में जहां पे एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी आपका पाकिस्तान का ऐसा है जो कि इंटरनेट अफोर्ड नहीं करता, लेकिन हमने एक्सक्लूसिवली इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को जो है वो सब्सिडाइज भी कर दिया है और प्रेफर भी कर दिया है, प्रायोरिटाइज भी कर दिया है, तो एक एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है जिसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ये गवर्नमेंट को बहुत जल्दी पूरा करना पड़ेगा। आप याद रखिए कि पाकिस्तान में 14 करोड़ मोबाइल फोन है और पाकिस्तान की जो टेली डेंसिटी है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। सो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो इतना बड़ी डिवाइड जो है फ्रेंकली नहीं होगी। आलमी इदारे सेहत ने भी COVID-19 के दौरान दुनिया भर में डिजिटल टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि इस इमरजेंसी के खत्म होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कई ऐसी तब्दीलियां आ चुकी होंगी जिन पर कानून साजी और गौर व फिक्र के लिए नए तरीके तलाश करना होंगे। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। उधर इंटरनेट तक रसाई कोरोना वायरस के बहरान में इस वक्त पाकिस्तान के तालीमी इदारों में भी एक तकसीम पैदा कर रही है। पाकिस्तान में सरकारी स्कूल्स की अक्सरियत जो कि पहले ही तालीम की फ्राहमी में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से बहुत पीछे है, ऐसे में कोरोना वायरस के बाद जब स्कूल्स बंद हो गए हैं, लॉकडाउन के बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो चंद प्राइवेट स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, तो इसकी वजह से सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के दरमियान फासले और बढ़ गए हैं। समन खान लाहौर से हमारे लिए इस सिलसिले में एक रिपोर्ट लाई हैं। कोरोना वायरस के बाइस पाकिस्तान भर के स्कूलों में लंबी तातीलात हैं, लेकिन कुछ निजी स्कूल बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए मसरूफ रखने के लिए कोशा हैं। सनलाइट इज नीडेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टीचर आपको असाइनमेंट्स भेजती हैं, उस पर आपने गूगल डॉक्यूमेंट्स या गूगल ड्राइव से करना होता है, पहले लिखना होता है उस पर और फिर सबमिट करना होता है, या फिर तो आप अगर आपने कॉपी में काम या वर्कबुक में करना हो तो फिर आपने उसकी पिक्चर लेके अपलोड करके भेज देनी है। वालदेन इस नए निज़ाम से खुश नज़र आते हैं। प्रॉपर क्लास हो रही होती है और मुझे इतनी खुशी होती है कि 2 बजे तक द चाइल्ड इज
ऑन हर टोज और मेहनत कर रही है और जवाब बकायदा इंटरैक्टिव क्लासेस चल रही होती हैं इनकी। ऑनलाइन क्लास पढ़ाने वाले असातिज़ा कहते हैं कि इन्हें अब भी इसी तरह तैयारी करनी पड़ती है जैसे वो रवायती क्लासरूम के लिए करते थे। हम लोग रिसोर्सेज प्रिपेयर करते हैं एक दिन पहले कि हमने कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों को ऑनलाइन करानी है, अपने टास्क असाइन करते हैं, हम लोग स्केड्यूल करते हैं कि नेक्स्ट डे हमने कौन सी क्लास लेनी है, कौन सी क्लास को लाइव स्ट्रीम करना है, उसके बाद वो चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन हम बच्चों से थ्रू ईमेल शेयर करते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस बड़े शहरों के चंद निजी स्कूल कॉलेजेस तक ही महदूद हैं। बेशतर स्कूलों के पास ऑनलाइन तालीम देने के लिए ज़रूरी वसाइल की कमी है। तालीमी इदारों से बग़ैर टास्क के मिलने वाली छुट्टियां बच्चों के मामूलात पर बुरे अंदाज में असरअंदाज हो रही हैं। यही वजह है कि बच्चों की बड़ी तादाद घरों के बाहर खेलती दिखाई देती है। बहुत से बच्चे घरों में रह कर वक्त गुजार रहे हैं। मैं अपने बालू से खेलती हूँ, अपनी गुड़िया से और अपने किचन सेट से, और कभी कभार मम्मा के फ़ोन में गेम डाउनलोड करके वो खेल लेती। बड़े स्कूलों में तो ऑनलाइन वो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, और हमारे अंदरून शहर में ये चीज़ नहीं है कि वो इसे ऑनलाइन पढ़ा सकें या व्हाट्सएप पे कोई चीज़ ऐसी कर दे एक्टिविटी के लिए, यानी कि इसका पढ़ाई में ज़्यादा इशू आ रहे हैं। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट फ़िलहाल दस्तयाब नहीं, और ना ही वालदैन के पास इतने वसाइल हैं कि बच्चों के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विस ख़रीद सकें। इसीलिए बाज़ तुलबा तंजीमें यूनिवर्सिटी की सतह पर ऑनलाइन क्लासेस के बायकॉट का ऐलान कर रही हैं। तरक्की पसंद तुलबा की तंजीम प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कोलेक्टिव का मुतालबा है कि हुकूमत सेमेस्टर ब्रेक दे, वरना दूरदराज इलाकों के तुलबा फीस देने के बावजूद तालीम से महरूम रह जाएंगे। परेशानी की बात तो ये है कि कुछ बच्चे तो अच्छे नंबर्स लेकर पास हो जाएंगे, मगर जिन बच्चों के पास इंटरनेट या इस जैसी बहुत सी सहूलियात नहीं है वो पीछे रह जाएंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन क्लासों के मियार से मुतल्लिक शिकायात का जायजा ले रहा है, जबकि अप्रैल के दौरान स्कूल के बच्चों के लिए टीवी के जरिए तालीम देने का आगाज भी किया जाएगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। कोरोना वायरस के आदाद व शुमार और इसके बाद की सूरत हाल पर वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम मुसलसल नज़र रखे हुए है, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर अपडेट भी हो रही है। वेबसाइट के लिए आप आ सकते हैं urduvoa.com पर, जबकि फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/voaurdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाकयात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज़िये देखने सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में कोरोना वायरस के हज़ारों केसेस सामने आए हैं, और जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं वैसे वैसे इन केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। अस्पतालों में भी रश बढ़ता जा रहा है, बार्स और मूवी थिएटर्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स भी ज़्यादातर बंद हैं या होम डिलीवरी और टेकअवेज के लिए काम कर रहे हैं। साहिल समंदर तक रसाई पर भी पाबंदी है। कैलिफोर्निया के शहरियों को भी बाकी दुनिया की तरह घरों में रहने का हुक्म दिया गया है, जिसकी वजह से बिजनेसेस बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मुकामी कारोबारों पर इस पूरे लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हॉलीवुड बुलेवार्ड शायद ही कभी ऐसा दिखाई दिया हो। बहुत कम लोग हैं, रेस्टोरेंट से किसी म्यूजिक की आवाज सुनाई नहीं दे रही, मूवी थिएटर्स बंद हैं और साहिल समंदर तक रसाई पर पाबंदी है। हुआना एक कंपनी में काम करती हैं और घर से काम नहीं कर सकती, इसलिए वो खुद को महफूज रखने के लिए खास केमिकल्स और दस्तानों से लेस हैं। मैं डिसइंफेक्शन कर रही हूँ, मैं बटनों को जरासीम से पाक करने की कोशिश कर रही हूँ। मुसाफिरों के इंतजार में टैक्सियों की कतारें आम हैं। ड्राइवरों का कहना है कि कोई मुसाफिर यहाँ नहीं आ रहे, हालांकि उन्होंने वबा के पेश नज़र अपनी गाड़ियों को एहतियात से साफ किया हुआ है। हत्ता के ड्राइवर्स ने एक एंटी वायरल किट भी साथ रखी हुई है, लेकिन बजाहिर मुसाफिर टैक्सी में सफर पर तैयार नहीं। सुबह के 10 बजे हैं और मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया, बस मेरे दो बच्चे हैं, इनमें से एक यूनिवर्सिटी में है। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यकीन मानिए ये बहुत मुश्किल है। हॉलीवुड बुलेवार्ड के किनारे पर चंद लोग रूरी को सुन रहे हैं, जो गिटार पर एक उदास धुन बजा रहे हैं। मैं प्रोमेनाड या सेंटा मोनिका पियर पर गाना बजाता था, लेकिन वो बंद हो गई, लिहाजा मुझे कोई नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। कैलिफोर्निया में द सेंटा मोनिका पियर सबसे मशहूर और खूबसूरत सियाही मकाम है, मगर अब एक पुलिस एहलकार के अलावा ये बिल्कुल बंद है और मुकम्मल तौर पर खाली है। गाड़ियों की पार्किंग खाली है, साहिल वीरान है, यहाँ तक के मशहूर यूनिवर्सल स्टूडियोज भी कोरोना वायरस की वजह से बंद है।
तमाम दौरे मनसूख कर दिए गए हैं और सिर्फ मरकजी गली ही खुली हुई है, लेकिन वहाँ भी कोई सयाह नहीं है, सिर्फ मकामी अफराद जो ताज़ा हवा के लिए बाहर निकले हैं। हाँ, मैं घर से काम करती हूँ, लेकिन अभी वो नहीं, आप ग्रोसरी भी नहीं खरीद सकते। ये फिलहाल मुश्किल है, ये तमाम नई पाबंदियाँ लागू कर दी गई हैं जो मुश्किल बढ़ा रही है। सौदा सेल्फ के स्टोर्स उन चंद जगहों में से एक हैं जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। मार्च के बस से ही लंबी लंबी कतारें कॉस्को और ट्रेडर्स जो के दरवाजों के बाहर नजर आ रही हैं। मैं यहाँ 9 बजे आई थी, लेकिन लाइन पहले ही इतनी सुस्त चल रही है कि मैं वापस चली गई। कॉस्को के मुलाजमीन बाकायदगी से सौदे वाली ट्रॉली की सफाई कर रहे हैं और तमाम मुलाजमीन काम के दौरान दस्ताने पहनने के पाबंद हैं। स्टोर ने कुछ कवायद बनाए हैं, जैसे कि एक खानदान किसी मखसूस चीज की महदूद मकदार ही खरीद सकता है। मुल्क में खाने की अशिया की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जखीरा अंदोजी की वजह से स्टोर्स को दोबारा सामान लाने के लिए इतना वक्त नहीं मिल रहा। मुंतजमीन का कहना है कि ये घबराने का वक्त नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव और जिम्मेदारी दिखाने का वक्त है। एनआरआई के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से कबायली अजला खास तौर पर मुतासर हुए और इस बदअमनी से कई बच्चे यतीम और बेसहारा हुए। इस वक्त वैसे तो पूरी दुनिया में ही स्कूल्स बंद हैं, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं दहशतगर्दी का शिकार होने वाले इलाके बाजौड़ के एक बोर्डिंग स्कूल में, जहां इन बेसहारा बच्चों को तालीम और रिहाइश के साथ साथ सेल्फ डिफेंस या अपने ज़ाती तहफ़ के लिए ताइक्वांडो भी सिखाया जाता है। उमर फारूक हमें इस स्कूल की सैर करवा रहे हैं। कबायली जिला बाजावड़ में कायम ये अलहुदा स्कूल बहुत से ऐसे बच्चों का घर है जिन्हें दहशतगर्दी ने बाप की शफकत से महरूम कर दिया है। गेम के साथ साथ सब स्कूल का सबक सिखाते हैं और मदरसा सिखाते हैं। यहाँ पे मैं ताइक्वांडो सीखता हूँ, ताइक्वांडो के साथ साथ तालीम भी सीखता हूँ। या मुझे खाना पीना सब मुझे फ्री मिल रहा है। यतीम बच्चों के लिए ये स्कूल 2009 में अली सरदार ने कायम किया, वो खुद भी यतीमी के दौर से गुजर चुके हैं। इधर इतना यतीम है, यतीमों की तादाद इतना ज्यादा मकदार में है कि इधर अगर 100 इदारे बन जाए तो उसके लिए भी काफी नहीं होगा। ये तो जो मिलिटेंसी था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इधर वो अमवात हुई, इसकी वजह से बहुत ज्यादा बच्चे और बच्चे यतीम हुए है। इस स्कूल में 100 से जायद बच्चे जेर तालीम हैं, इनमें 65 बच्चे ताइक्वांडो सीख रहे हैं। मेरा शौक भी है, जिस्मानी वर्जिश भी के लिए भी है और सेल्फ डिफेंस के लिए भी है। अली सरदार का कहना है कि वो यतीम बच्चों को मार्शल आर्ट्स के जरिए एक मुस्बत सरगर्मी की तरफ मायल करना चाहते हैं, ताकि वो जिस्मानी तौर पर अपना दिफा कर सके और जहनी तौर पर भी मजबूत बने। ये फिजिकल जो वर्जिश है, मुकम्मल बदन की जो मुकम्मल वर्जिश है इसमें वो भी होते हैं। ये एक बच्चे का सेफ्टी भी होता है, क्योंकि हमारे बच्चे तो यतीम भी है और उसके पुरसान हाल वाला कोई है नहीं। आज ये स्कूल बहुत से बेआसरा बच्चों को अपने पाँव पर कड़ा होने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन बाजावड़ और इससे मुलहिका कई इलाकों में दहशतगर्दी से मुतासरा बच्चे अब भी तवज्जो के मुंतजर हैं। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर। यह था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और हमें भी बताइए कि आप अपने आप को कैसे महफूज रख रहे हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। आप हमें लिख सकते हैं facebook.com/urdu के पेज पर। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।